ये रहे बॉयज हमारी गाड़ी के पुराने स्पीकर जो कि मुझे गाड़ी के साथ लगे लगाए मिले थे। जितनी उसकी प्राइस बता रहे हैं ना वो हमें कोई मतलब के समझ में नहीं लग रहा कि हम वो बाय करें ना करें। ये रहे बॉयज हमारी गाड़ी के पुराने स्पीकर जो कि मुझे गाड़ी के साथ लगे लगाए मिले थे। अब मुझे नहीं पता ये किस कंपनी के, ये हैं जी पायोनियर के, ठीक है। अब ये जो स्पीकर दोनों थे ना ये बिल्कुल बेकार, कोई बेस नहीं, कोई कुछ नहीं था। अभी जो दो हम जापानी लेके आए वो मुझे नहीं पता किस गाड़ी के, लेकिन उनकी साउंड ऐसे ऐसे पप्पू साउंड ऐसे, और जो उसकी जो ना आवाज़ फटती है और जो है ना उसकी बेस भी बहुत ज़्यादा है। और आपको अभी जाके नीचे दिखाता हूँ, मैंने जो है ना वो इंस्टॉल कर लिए, बाकी ये जो है ना बेकार हो गए, मेरे किसी काम के नहीं है, ये इधर ही पड़े रहेंगे। वाइज अभी जो है हम लोग सदर आए हुए थे, पहले ग्वाल मंडी गए हैं। जो हम लेना चाह रहे हैं वो मैं अगर आपको दिखाऊं को, ये जो है ना ये हम लोग नए लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये ना आवाज़ करते हैं, टूटे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी ये भी अभी फ़िलहाल मैं गुजारा चलाने के लिए ये वाला मैंने फटा रखा हुआ है, वरना ये भी मैं ना उतार दूंगा कुछ टाइम तक ना, जब मैंने नीचे ना पूरा बॉक्स बनवाना है तब इसके जाके ना सही बेस बनेगी। जो अभी स्पीकर लगाए हैं ना इनके, तो ये स्पीकर बहुत मज़े के हैं, जापानी किसी गाड़ी के, मेरे ख्याल में विट्स गाड़ी के हैं या आई डोंट नो किस गाड़ी के, बट यकीन करो कि चाइना और इसमें ना जापानी में बहुत फ़र्क है, यकीन करो। ये आवाज़ बिल्कुल नहीं फटने देते और साउंड भी बड़े मज़े के बनाते हैं। तो अभी गए हैं पता करने, किसी ने कहा है कि सदर में कोई वसीम ऑटो है वहाँ से पता करके आए कि शायद ये मिल जाए, तो फिर हम लोग ये भी नए ले लेंगे। अभी कुछ टाइम सिर्फ पीछे वाले स्पीकर लगे हुए हैं, कुछ टाइम चलाता हूँ, अगर मज़ा ना आया तो फिर हम ऐसा करेंगे जो डैशबोर्ड के नीचे लग जाते हैं ना दो, एक इधर लग जाएगा एक इधर लग जाएगा दो स्पीकर आगे, वो भी कोई अच्छी देख के जापानी कोई देख के ना तो वो भी लगा लेंगे। अब देखना ये है कि अगर यहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना फिर हमें जाना पड़ेगा सुल्तान के खूह किसी दिन टाइम निकाल के ना, क्योंकि अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं, और टाइम भी अभी इस तरह का रात का टाइम है कि उधर जाकर कुछ मिलना भी नहीं है। तो बस यही देखते हैं दिन का टाइम, किसी दिन उधर जाएंगे अगर ये अभी इधर से ना मिले तो। बाकी अपडेट देता हूँ साथ साथ आपको, जो भी अपडेट्स होंगे ना वो आपको साथ साथ देता रहूँगा। अच्छा भाई, हम लोग सदर जो है ना वो घूमते रहे, एक जगह से वो मिलने के हमें मिले हैं, लेकिन ना वो जितनी उसकी प्राइस बता रहे हैं ना वो हमें कोई मतलब के समझ में नहीं लग रहा कि हम वो बाय करें ना करें उतने का। हमें पूरा पीछे जो है ना वो बॉक्स जो है ना जिसके साथ बेस बनेगी वो बन जाएगा। तो अभी हम लोगों ने एक शॉप पर आए सदर में ना, तो ये सारी जो है ना ये मार्केट है सारी वो ही है स्पीकर वगैरह की ना इसकी। तो हम लोग, पहले मैंने आपको कह रहा था ना कि मैं कुछ टाइम के बाद जाके जो है ना वो बॉक्स लूँगा, लेकिन अभी चलो जो वो जितने के वो महंगे बता रहे हैं वो साइडों वाले, उससे बेहतर हम ऊपर वाला सारा सिस्टम ही उसका ख़त्म करके और हम लोग ना जो है वो ले लेते हैं। ये शॉप है, ये वाली है आगे वाली शॉप है ये, जहाँ पर ये गाड़ी हो जाए ना एक दफ़ा, सामने से लेडीज़ उतर रही हैं, हम उनकी वीडियो नहीं बना सकते। ये शॉप है और दला किधर गए, एक लौटे देखे हमने पर्सनल ड्राइवर रखा। इधर गाड़ी पार्क करते हैं। ओ तेरी ओ। कटाई कटाई जो है ना काम अच्छा है। ये भी बड़े महंगे बता रहे हैं और ये तो हमने वैसे ही ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं और पूरा एक नीचे ऐसे बॉक्स बना देते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चेक करते हैं अगर हमारे कोई बजट में कोई बैठता हुआ अच्छा था तो हम रख लेंगे।
हाँ जी भाई, गाड़ी चेक करो कितनी ही ज़्यादा जो है ना वो गंदी हुई हुई है। और इस वक्त एक शोर आ रहा होगा आपको पीछे मोटर आना उसकी वजह से, बाकी गाड़ी दिखाता हूँ बहुत गंदी है और उसकी वजह भी बताता हूँ। जी भाई, क्या हाल चाल हैं? ठीक है आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर हैरियत से होंगे। कि जो पिछली वीडियोस जो आपने अभी तक देखी हैं वो आज से कोई 2 हफ्ते पहले की थी, और आज 2 हफ्तों के बाद मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा क्यों ना आज एक छोटा सा व्लॉग बना लीजिए, थोड़ी सी आपको अपडेट दे देते हैं। और उस अपडेट में ये है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मैं गाड़ी की तरफ तवज्जो करूँ। सुबह जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, काम कुछ इस तरह के, तो कुछ चीज़ें इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर चेंज हुई हैं, मैंने कहा आपको बताऊं। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि मैं गया था इसको पहले, सबसे पहले तो ये मेरी गाड़ी अभी पुराने उतर गए हैं, ठीक है ये पुराने नए लग गए हैं। मैं सदर से इसका रेट मैंने पता किया था तो मुझे ऑलमोस्ट 4,045 का ना ये दो, इसको कहते हैं डिग्गी के, पता नहीं क्या कहते हैं, फटे कहते हैं क्या कहते हैं, तो ये यहाँ से ना टूटे हुए हैं, ये जहाँ से इसका वो किला फंस नहीं जाता क्या कहते हैं इसको, ये यहाँ से भी देखा टूटा हुआ है। तो ये एक तो हमने ये चेंज करवा दिए, फिर उसके बाद सुल्तान के खूह गए थे, अब्दुल्ला ही गया था, मैं तो जा नहीं सका क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सुल्तान के खूह गए और यहाँ से ये दो लिए और बड़े ही मुनासिब प्राइस पर ली। पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पीछे बॉक्स रखवा देता हूँ गाड़ी के ना डिग्गी में, तो उससे ये होगा बेस वगैरह, वैसे मैं आपको पता स्पीकर चेंज करवाया था उसकी बेस और साउंड बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं इतना कोई, हम लोग गानों के बहुत कोई ज़्यादा शौकीन नहीं है लेकिन है सही, लेकिन इतने भी नहीं है कि गाड़ी पूरी डस डस करे। तो ये है कि आवाज़ क्लियर होनी चाहिए जो है ना साउंड की, और थोड़ी सी बेस होनी चाहिए बस। अच्छा तो ये हम लोगों ने, हमें कोई सुल्तान के खूह से ये 1600-1700 के ये मिल गए। एक और चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि साइड वाले दोनों मिरर, ये भी और ये भी, ठीक है ये दोनों जो है ना ये चेंज हो गए हैं, क्योंकि जो राइट साइड वाला मिरर था ना ये टूटा हुआ था पहले से, तो अब ये दोनों मिरर भी मैंने जो है ना अच्छी क्वालिटी के, ये भी मेरे ख्याल में 1700 या 1800 के इसी तरह अच्छी क्वालिटी के, जेन्युइन नहीं कह सकते, जेन्युइन तो मेरे ख्याल में बहुत महंगे, 1-2,000-2500 का 3,000 के मेरे ख्याल इस तरह के शीशा शायद कुछ इस तरह का, ये सही रेट नहीं मुझे पता। तो ये एक मैंने ये चेंज करवा दिया। दूसरा, आप लोगों को अभी मैंने गाड़ी दिखाई, इंतहाई गंदी हुई है, अगर मैंने नहीं साफ़ करनी तो मुझे लग रहा है और किसी ने भी इसको हाथ नहीं लगाना, साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। तो आज मैंने ज़रा लेट जाना था काम से, तो मैंने कहा जो आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट देते हैं, और ये चीज़ें हैं कुछ नए भी मैं आपको डिग्गी में भी दिखाता हूँ जो नए लग गए हैं, वो भी अभी तक मैं देख पाता हूँ, वो भी मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही देखने लगा हूँ, मैंने भी नहीं देखे क्योंकि ये काम पीछे अब्दुल्ला ही करवाता रहा तो मैं देखे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं शाम को आता हूँ सुबह जाता हूँ तो मेरे पास जो है ना बिल्कुल भी वो टाइम नहीं था। तो एक तो ये मिरर लग गए, दूसरा ये चेंज हो गए, और मेरे ख्याल से गाड़ी मेरी जो है ना इतनी गंदी हुई है, आप लोगों ने शायद पहले कभी व्लॉग में या कोई किसी वीडियो में बहुत कम होगा इतनी गंदी गाड़ी आपने, ये मेरी वाली इतनी गंदी गाड़ी देखी हो, ठीक है देखी होगी गंदी लेकिन इतनी गंदी नहीं जितनी अभी कैमरे में हो सकता है फिर भी आपको उस तरह नज़र आ रही हो, लेकिन जितनी अभी गंदी हुई है ना
कोई हाल नहीं है, ये वाश किए बगैर जाना मेरे से साफ भी नहीं होगी। तो ये है कि आपको एक दफ़ा डिग्गी दिखाता हूँ और फिर जो है ना वो व्लॉग को एंड करते हैं। हाँ जी बॉयज़, ये नए हैं और ये आप लोग चेक करें, ये ना कोई हिल रहा है ना कोई इनकी आवाज़ आती है, अब आवाज़ जितना वो देखें यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर बैठ रहा है उस कॉर्नर। मैं इस गत्ते को ऐसे उठाऊँ जो मर्जी करूँ, पहले मैं उठाता था गत्ते ही नीचे जा गिरता था, अब ये देखें बिल्कुल ईजी सीन हो गया। और ये दो स्पीकर चेंज करवाए थे तो इनकी आवाज़ भी बड़ी फिट है, ये चेक करो, कोई इशू नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी जो है ना आप लोगों ने देख ली होगी डिग्गी वगैरह भी, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, प्रॉपर वो नए लग गए हैं। और मेरा बस ये थोड़े दिनों का ही और काम रहेगा तो फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और फिर व्लॉग वगैरह कंटिन्यूसली जो आएंगे ना आगे आते रहेंगे और मज़े मज़े के व्लॉग आएंगे। बस जो एक काम है ये थोड़े दिन का ही रहेगा, ये हो जाएगा कम्प्लीट मेरा तो फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर गाड़ी की तरफ भी तवज्जो देंगे और बाकी काम शाम भी देखेंगे। और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।